हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, आज मैं एक अनदर ड्राई शैम्पू का रिव्यू एंड डेमो करने वाली हूँ। सो दिस इज अगेन फ्रॉम बटीस्ट, एंड ये जो ड्राई शैम्पू है, इससे पहले मैंने इसका एक जो ओरिजिनल वेरिएंट आता है उसका रिव्यू किया था, और इस वक्त आप देख रहे हैं। मैंने सोचा कि इस वीडियो को क्यों ना नहाने से पहले ही बनाया जाए, क्योंकि बाल बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे से हो रहे हैं, तो अब बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इसको अप्लाई करने का, इस शैम्पू को। उससे पहले मैं आपको इसके विषय में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि ये जो शैम्पू है, इंस्टेंट हेयर रिफ्रेशिंग शैम्पू है, और आपको बाल धुलने की ज़रूरत नहीं है, ड्राई शैम्पू ही अप्लाई कर लीजिए। 50 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी आती है इसकी, और मैंने मिनी पैक मंगाया था 299 रुपीज़ का। और ये जो ड्राई शैम्पू है, इसको आप फ्लेम से दूर रखें, जैसा कि इस पे लिखा हुआ है, प्राउडली मेड इन द UK, ये भी लिखा हुआ है। सो ये चीज़ें इस पर मेंशन है, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 2 ईयर्स। सो अब मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस ओरिजिनल से कहीं बेटर है, तो मैं ना, क्योंकि मेरे बाल ऑयली स्कैल्प हो गई हैं, चिपचिपे हो गए हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इसको अप्लाई करने का। और इस तरीके से ले लिया है मैंने शैम्पू, एंड थोड़ी सी डिस्टेंस से स्प्रे करना है इस तरीके से, बट इसकी फ्रेग्रेंस उससे बेटर है ओरिजिनल वाले से, और सेम प्राइस में ये भी आता है। लेकिन पता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ड्राई शैम्पू बालों का, क्योंकि पाउडरी फॉर्म होती है, ये देखिए पाउडरी पाउडरी तो होता है ये ना, एक तरीके से बालों में ऑयल को तो कम करता है, ऑयल सोख लेता है ये पाउडर, लेकिन वो क्लीनिंग प्रॉपर जो पानी से आती है बालों में, जो बाल खिले खिले रहते हैं, वो नहीं होती है। सो अब जरा मैं इससे मसाज कर लेती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मेरे जो फ्रंट के बाल हैं, आप देख रहे हैं मिरर में, आपको फेरी दिख रही होंगी, वो चौंक रही हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ये जो फ्रंट के बाल हैं, थोड़ा सा ये ओरिजिनल से बेटर है ये ड्राई शैम्पू, लेकिन वाइटनेस बालों में इससे भी रहती है, वो जाती नहीं है। और अगर आप डे टाइम में यूज़ कर रहे हो ना, ये देखिए सी, तो ये दिखती है, कोई पास से देखेगा तो लगेगा वाइट डस्ट टाइप की लगी हुई है बालों में। ओके, ये लगता है। तो मैं इसको ना, बस यही बोल रही हूँ कि मैं इसका कोई बड़ा पैक नहीं लेने वाली हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया ये प्रोडक्ट मेरे लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा एवरीडे स्टाइलिंग और टूल्स भी नहीं इस्तेमाल करने होते हैं, ना ही मेरे बाल जो है बहुत बेचारे हैं कि मैं इन्हें धुल नहीं सकती, तो मैं तो अब पानी से और शैम्पू कंडीशनर से क्लीन करूँगी इन्हें, क्योंकि एक डस्टी डस्टीनेस जो है वो इसमें बालों में ऐड हो गई है। और आप देख रहे हैं मैं प्रॉपर साथ में मसाज कर रही हूँ, बट फिर भी वो बात नहीं है। देखिए, और ना ही मुझे बाल खोल के रहना होता है, जो मुझे फालतू एक्सेस वॉल्यूम चाहिए डस्टी नेस के साथ में। सो सी, यहाँ थोड़ा वाइटिश वाइटिश आपको दिख रहा हो, आफ्टर 5 to 10 मिनट बाद ये अगर आप मसाज कर रहे हो प्रॉपर, तो ये चला तो जाएगा, लेकिन आप एक बार देखिए। ऊपर से ये विंटर्स में रूसी डैंड्रफ की समस्या, इसके लिए
अच्छे हेयर केयर ज़रूर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो दोस्तों बस यही कहना है, इस डेमो को दिखाने का यही मतलब है कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरे टाइप की चीज़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे बालों को तो फ्रेश साफ पानी से जब तक मैं ना धुल लूँ तब तक ना तो ये खिलते हैं और ना ही इनमें शाइन ऐड होती है, ना वॉल्यूम ऐड होता है। और मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि जितना पॉसिबल हो सके नेचुरली अपने बालों को रखें, लाइक पानी से ज़रूर धुलें। कोशिश कीजिए कि आप ड्राई शैम्पू अवॉइड करें, कर सकती हैं तो। अवेदा में तो बहुत एक्सपेंसिव रेंज आती है ड्राई शैम्पूज़ की, मैंने सिफोरा के आउटलेट पे देखा था दोस्तों। मसाज करते करते काफ़ी टाइम हो गया है, बट वो वाइटनेस जो है वो जा नहीं रही है हल्की हल्की। तो ये देखिए अभी भी ऐसे चुतने कहाँ खिले खिले हैं, बस हल्का सा ऑयलीनेस थोड़ी सी दूर हो गई है, बट वो शाइन नहीं है जो हेयर वॉश करने के बाद आती है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको बस इतना ही कहूंगी कि आपकी मर्जी है, आप अगर बहुत ज़्यादा आपको बहुत कम समय मिलता है, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करती हैं और या आप पसंद करती हैं ड्राई शैम्पूस, तो आप बेशक इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये आप मेरे बालों में देख सकती हैं झलक सी, है ना, एक डस्टीनेस हल्की सी। तो बस यही कहना है मुझे, और मेरे लिए तो ये ओके ओके ही है। आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लीजिएगा, एंड डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ज़रूर दे दूंगी आपको परचेजिंग का। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, ऑनेस्ट लगी है, तो प्लीज़ ज़रूर से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे अनदर चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक होते हैं। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो ओरिजिनल वाला ड्राई शैम्पू है एंड ये वाला, बट इसको यूज़ मैंने जब किया था 3-4 बार, तब से मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहा है। आई डोंट नो क्यों, मतलब बहुत हो रहा है। और एक सेकेंड, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं। उफ़ो, इसमें तो फेरी के बाल भी आ गए। अब देखिए, जब भी कंघी करती हूँ तो इस तरीके से पिछले 1 सप्ताह से मेरे साथ यही हो रहा है। तो अब मैं थोड़े अच्छे और केमिकल फ्री एंड इस तरीके के प्रोडक्ट अवॉइड कर रही हूँ, थोड़े अच्छे वेगन प्रोडक्ट ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ बालों में। इतना केयर करने के बाद ये सीन है, तो मैं नहीं अब इसको यूज़ करने वाली हूँ, एंड सॉरी, इसको और इसको। तो अनदर प्रोडक्ट के रिव्यू देखने हो तो ज़रूर चेक करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड अब मैं जा रही हूँ, ज़रा अपने बालों को अच्छे से शैम्पू कंडीशनर कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरत है भाई इनको अच्छे शैम्पू कंडीशनर की। सो थैंक यू सो मच, बाय दोस्तों, बाय बाय।